अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जा रहे हैं साहिबा महल, और हम से मुराद मैं, हसन और मामू जान और मामू सनी। हम जा रहे हैं साहिबा महल और उसके बाद हम जाएंगे नॉकआउट। और फिलहाल हम यहाँ खड़े हुए आर्मी कॉलेज बदीन। यहाँ पर मामू जान किसी दौर में पढ़ा करते थे और आज मामू अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर ये मामू कॉलेज, ठीक है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं मामू कॉलेज। उतर के कॉलेज देखना तो सिर्फ एक बहाना था, मुझे तो सिर्फ ड्राइविंग सीट पे बैठना था और ड्राइविंग करनी थी। क्योंकि ठट्टा से लेकर बदीन तक मामू सनी ने ड्राइव किया है, और अगर इससे ज़्यादा अगर मामू सनी ने ड्राइव कर ली तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी हमारे साथ। और जब गाड़ी मिल ही गई है तो गाड़ी पर 120 मारना तो हमारा फर्ज ही बनता है ना। यार देखो, असन गली छोटा है लेकिन असन के अंदर भी एक छोटा सा दिल है, और उस दिल में एक ख्वाहिश 120 मारने की। और आपको तो पता है कि मेरे मामू कितने सखी हैं, तो दे दी असन को गाड़ी। तो अभी हम पहुंच गए हैं मीर लांबर्ट के महल पर। एक दौर में बड़े यहाँ क्रेजी सीन हुआ करते थे, लेकिन अब ये खंडर बना पड़ा हुआ। लेकिन अब आपको हम हिस्ट्री बताएंगे इसकी। तो ये है साहिबा महल जो मीर लांबर्ट ने अपनी मोहतरमा साहिबा के लिए बनवाया था, और इसी की वजह से इसका नाम भी साहिबा महल रखा गया। एक दौर में मीरों की बादशाही उरूज पे थी, और तब उस दौर में लोग इस महल को दूर दूर से देखने आया करते थे, लेकिन अब ये सिर्फ एक खंडर के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको फैक्ट ऑफ द डे बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो मूवी है छल्लावा, वो भी इसी महल में शूट हुई है। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। इसका जो डिज़ाइन था वो उस वक्त में ताजमहल से इंस्पायर्ड होकर बना था। इस महल में उस वक्त के हिसाब से हर चीज़ थी, सुंदर दरवाजे, सुंदर खिड़कियाँ, वहाँ झूले भी थे और अंडरग्राउंड सुरंगें, अंडरग्राउंड रास्ते, उस इवन वहाँ स्विमिंग पूल भी था उस दौर के हिसाब से। लेकिन आज जब हम इतने सालों बाद इस महल को देखते हैं तो दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि मीर उस दौर के बादशाह थे, लेकिन आज उनके बारे में इंटरनेट पे कुछ नहीं मिल रहा, ना यूट्यूब पर ना गूगल पर। और जो ये महल उस वक्त का एक बड़ा अजूबा हुआ करता था, आज ये वही महल खंडर बना हुआ है। कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में हर चीज़ फना हो जाएगी, मैं भी आप भी। तो क्यों हम इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं जो कि हमारी है ही नहीं, क्योंकि हमारी आखिरी मंजिल तो कहीं और है।